और आरोपी लगी हुई थी। लगभग 4:15 बजे के लगभग आतंकवादियों ने एक मोबाइल पेट्रोल जो कि एक गाड़ी में था उस पे हमला किया और सामने से और गाड़ी की बाईं तरफ से फायर किया, जिसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया, 2 क्रिटिकल इंजरी हैं और 1 खतरे से बाहर है। और एरिया को पूरा कॉर्डन किया गया है, सभी नाकाज को यहां से बाहर निकलने वाले जितने भी रास्ते सभी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है, नाके लगा दिया गया है। और बाकी और सर कितने हिट एंड रन अटैक था या मतलब घात लगाकर किया गया, कैसे आपको लगता है प्लान किया गया? बिल्कुल हिट एंड रन अटैक है और इतनी इनकी हिम्मत नहीं है कि आमने सामने हमसे लड़ सके, लेकिन ये चुपके से इन्होंने मारा है और कहीं गली में से मार के और फिर बाहर। सर एक आखिरी सवाल, आपको लगता है जिस तरह एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन घाटी में चल रहे हैं उसके चलते मिलिटेंट प्रयास कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस दिखाने को, इस तरह के अटैक सामने आ रहे हैं? वो सब प्रयास करेंगे, ये हमेशा से प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बहुत जल्दी विफल हो जाएगा और ये जल्दी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। सर कितनी तादाद में थे और किस तंजीम का इसके पीछे हाथ हो सकता है? अभी तंजीम का कोई मालूम नहीं है, लेकिन 3 से 4 ऐसी संख्या थी। नंबर ऑफ सर कैजुअलिटी एंड हाउ मेनी आर इंजर्ड सर? One has got martyred, 2 others are seriously injured and 1 is out of action. सर क्या कोई वेपन छीना गया है वहाँ से? अभी ये पता नहीं है, इसको हम पता लगाएंगे जब, क्योंकि आदमी अभी मिल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, जब मिलेंगे सभी तो पता चल जाएगा कि क्या स्थिति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।